Good morning, class. So, class, today we are starting our chapter number 2, Kings, Farmers and Towns. Okay, here we will study about early state and economies between 600 BCE to 600 CE. Okay, in this chapter we will read about political and economic history from the time of Mauryas to the time of Guptas. Okay, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मौर्यास के टाइम पीरियड से लेकर के गुप्तास के टाइम पीरियड तक जितने भी चेंजेस अकर हुए थे उन सब के बारे में. एट फर्स्ट आई वांट टू गिव यू अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो दिस वाज द टाइम व्हेन मेनी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस केम बिटवीन 600 BCE टू 600 CE. द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज वॉज दैट early states, empires and kingdoms emerged during this time. इस टाइम पर कई सारे जो states थे, empires थे और kingdoms थे वो emerge हुए थे. ठीक है, उसके अलावा जो most important एक जो major change था this was the time period when there was a boom in agriculture production. agriculture की growth में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई. उसके अलावा जो नए नए टाउन्स थे वो भी इस टाइम पर एमर्ज हुए. ठीक है, अब हमारे जो हिस्टोरियंस हैं दे ट्राइड, उन्होंने ये ट्राई किया कि वो ये जो पूरी हिस्ट्री है उसको समझ सकें. इसके लिए दे यूज्ड वेरियस सोर्सेज लाइक इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन 11th क्लास अबाउट इंस्क्रिप्शंस दैट इंस्क्रिप्शंस आर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑन हार्ड सरफेसेस लाइक वॉल्स, कॉपर प्लेट्स एंड कॉइंस. ओके, तो उन्होंने कौन कौन सी बेसिकली सोर्सेज यूज़ की थी हिस्ट्री को जानने के लिए. इंस्क्रिप्शंस उन्होंने यूज़ किए, टेक्स्ट कॉइन्स यूज़ किए. ओके, उसके अलावा इट इज़ नॉट ईजी टू नो अबाउट आर पास्ट. ठीक है, तो ये इजी तो नहीं है पास्ट के बारे में जानना इन सब जो सोर्सेज थी उन सब की स्टडी करने के बाद में. अब क्या हुआ, बेसिकली स्टडी तो की हिस्टोरियंस ने इनकी, लेकिन फिर भी जो एंटायर हिस्ट्री है, जो एंटायर स्टोरी है इस टाइम पीरियड के बारे में वो इन्हीं सोर्सेज से पता नहीं चलती है. बाकी उसके अलावा भी कई सारी जो सोर्सेज थी वो यूज़ की गई थी. ओके, सो लेट्स लुक एट अदर थिंग्स. सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर अबाउट सम डेवलपमेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स. तो इन 1500 सालों के बीच में, लास्ट 1500 ईयर्स के बीच में जो भी चेंजेस हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये वो 1500 ईयर्स थे जिसमें क्या हुआ, हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो एंड हो चुका था. ठीक है, क्या हुआ था, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था वो एंड हो चुका था और इस टाइम पीरियड में कई सारे डेवलपमेंट्स हुए. वो डेवलपमेंट्स कौन कौन से थे, सबसे पहले तो जो ऋग्वेदा था, आपको पता है कि वी हैव फोर वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेद. ओके, तो सबसे पहला जो हमारा वेद है ऋग्वेद, दैट वाज कंपोज्ड अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो जो ऋग्वेदा था वो कंपोज किया गया था, कहाँ पर कंपोज किया और किसने कंपोज किया, जो पीपल रहते थे इंडस रिवर के आसपास और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, तो उन्होंने ये जो ऋग्वेदा था वो कंपोज किया था. उसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट थे वो भी इस टाइम पर एमर्ज हुए सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में. जो दूसरा एक चेंज था, डेवलपमेंट था, वो क्या था कि नए नए जो डिस्पोजल मोड थे डेड्स को डिस्पोज करने के लिए, जो नए नए मोड्स थे वो भी इस टाइम पर एमर्ज हुए. जैसे कि जो मेगालिथ्स थे सेंट्रल और साउथ इंडिया में. मेगालिथ्स क्या होता था, मेगालिथ हमने पढ़ा था पहले, अगर हम पढ़े तो जो मेगालिथ हैं अपने 11th क्लास में पढ़ा था, जो मेगालिथ होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टोन के. तो मेगालिथ बेसिकली स्टोन्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मेगालिथ है वो उन स्टोन्स के लिए यूज़ किया गया है जो एक स्ट्रक्चर बनाया करते थे, स्टोन स्ट्रक्चर, ताकि उसमें क्या किया जा सके, जो डेड बॉडीज हैं उनको डिस्पोज किया जा सके. ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ पर एमर्ज हुआ था, सेंट्रल और साउथ इंडिया में. उसके अलावा यहाँ पर जो नए नए टाउन्स थे और किंगडम्स थे वो भी एमर्ज हुए. ओके, अब यहाँ पर एक लिटिल इंट्रोडक्शन दिया गया है जेम्स प्रिंसिप के और बारे में. तो जो जेम्स प्रिंसिप थे वो थे कौन, ये एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के.
इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ब्राह्मी और खरोस थी स्क्रिप्ट थी उनको डेसिफर किया था, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिली अपने जो हिस्ट्री, अपना जो एंशिएंट टाइम पीरियड है उसको जानने में। 1830 में इन्होंने क्या किया था, ठीक है, 1830 में हमें इसके बारे में पता चला था कि जो ब्राह्मी और खरोस्टी है, इस तरह की भी कोई दो स्क्रिप्ट हैं, तो इसको इन्होंने ही डेसिफर किया था। इन स्क्रिप्ट में क्या है, एक जो वर्ड है वो मेंशन किया गया है, जिसको कहा गया है पियादसी। पियादसी कहा जाता है कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है, वो है प्लीजेंट टू बीहोल्ड, यानी कि जो मन को अच्छा लगे, जो देखने में अच्छा लगे, ठीक है, तो उसका ये मीनिंग मतलब बताया जाता है। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये जो पियादसी वर्ड है ये किंग अशोका के लिए यूज़ किया गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड सन थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो कुछ इस तरह लिखी जाती थी, उसके अलावा जो खरोष्ठी है वो कुछ इस तरह से लिखी जाती थी। आगे हम आते हैं आपकी प्रकृत पे, तो प्रकृत जो है वो इस तरह से लिखी जाती थी, और पाली आपकी जो करंट लैंग्वेज है, हमारी जो हिंदी है उससे बहुत ज़्यादा मैच होती है, काफ़ी सारे जो वर्ड है वो हमारे पाली से लिए गए हैं। ओके, तो ये आपकी स्क्रिप्ट थी। अब यहाँ पर आते हैं हम कि जो 16th century BC है उसको एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। अब उसके रीजंस क्या हैं कि क्यों इसको 16th century को टर्निंग पॉइंट कहा गया है इंडियन हिस्ट्री में, तो सबसे पहला जो रीज़न है वो ये माना जाता है कि जो 6th century BCE है उसको टर्निंग पॉइंट इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इस टाइम पर कई सारे जो डेवलपमेंट हुए थे वो अकर हुए थे, ठीक है। डेवलपमेंट विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट अकर्ड एट दिस टाइम पीरियड, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे यहाँ पर इंक्रीज यूज़ ऑफ आयरन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चेंज था, जो डेवलपमेंट था, वो बात की गई है कि जो आयरन है उसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इस टाइम पर। लाइक जो भी वेपन्स नहीं, इक्विपमेंट्स वगैरह होते थे उनको बनाने के लिए आयरन यूज़ करना शुरू किया जाने लगा, जिससे एग्रीकल्चर में भी बूम आया। तो ये सारी चीज़ें, तो आयरन का यूज़ किया जाने लगा, बेसिकली इंक्रीज हुआ आयरन का यूज़। सेकेंड जो डेवलपमेंट था वो था डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, तो जो कॉइन्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया, तो कॉइनेज का भी डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा जो हम थर्ड बात करते हैं वो है कि दिस टाइम मैनी न्यू स्टेट्स एंड सिटीज़ वर एमर्ज, तो कई सारे न्यू स्टेट्स और जो सिटीज़ थी वो एमर्ज हुई इस टाइम पर। उसके अलावा एक जो और यहाँ पर जो चेंज था वो मेजर चेंज ये था कि जो रिलीजन था जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज़्म थे, नए नए जो रिलीजन थे वो इंट्रोड्यूस हुए इस टाइम पर। उसका मेन रीज़न ये भी कहा जाता है कि जो पीपल थे वो परेशान हो चुके थे कि जो हिंदू था या फिर बाकी के जो रिलीजन थे उनमें क्या होता था, रिचुअल्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो जो पीपल होते थे वो उससे परेशान हो चुके थे। तो उसमें यज्ञ वगैरह जैसे हो गए आपके, जिनको सेक्रीफाइसेस कहा जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह हुआ करते थे, तो लोग उससे भागना चाहते थे। अब जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म है उसमें क्या, उसमें रिचुअल्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है और उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। सारे जो पीपल हैं, चाहे वो आपका लो स्टेटस है, चाहे वो अपर स्टेटस है, रिच है, पुअर है, तो कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाता था। जैसे हिंदू जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णास में डिवाइडेड थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए लोगों ने इस टाइम पर ज़्यादा ये जो रिलीजन थे उनको अडेप्ट किया, और यही मेन रीज़न था इन रिलीजन्स के आने का, राइज होने का। ओके, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे 16 महाजनपदास के बारे में, जैसे हमने बात किया कि कई सारे नए नए स्टेट्स और सिटीज़ जो है वो एमर्ज हुई। तो ये आप देखोगे यहाँ पर 1600 में जो महाजनपदास हैं आपके, ये सारी आपके एंशियंट सिटीज़ हैं। उसके अलावा अगर आप पूरा देखोगे तो 600 BC का ये मैप है महाजनपदास का, जिसमें आप देखोगे आपका काम्बोज है, गांधारा है, कुरु है, पांचाला है, कुशाला है, मत्स्य है, वत्स, अवंती, शेतियाज, मल्ला, काशी, मगधा। मगधा के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये सारे जो महाजनपदास थे वो एमर्ज हुए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।